शंकर प्रसाद की कहानी बेड़ी। बाबूजी एक पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा, कितनी कारुणिक आवाज थी। देखा तो एक 9-10 बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास ये तुमको कहां से मिल गया? अंधे को अंधा न कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे फली लगी। इस संबोधन में उस दिन के अभाव की ओर सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग न था। उसने कहा, बाबूजी यह मेरा लड़का है, मुझ अंडे की लकड़ी है, इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने कुचलने से भी बच जाता हूँ। मैंने उसे 51 दी। बालक ने उत्साह से कहा, आहा 51। बूढ़े ने कहा, दाता जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान, दीनानाथ करी क्यों देरी। दशा अश्वमेध की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौढ़ स्वर सुनाई पड़ा, उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है, वही आकुलता सानिध्य की पुकार प्रबल प्रहार से व्यथित की कराह, मोटर की दम्भ भरी भीषण बम बम में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिरने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा, वही बुड्ढा किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी आज वो तुम्हारा लड़का कहाँ है? बाबूजी भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया, न जाने कहाँ गया। उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वो कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहां एक व्यास जी श्रवण चरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में वही बुड्ढा दिखाई पड़ा, उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिता को छोड़कर कहां भागा था? वो मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के तेरी यही नौकरी है, तू अपने बाप को छोड़कर न भागा कर। बूढ़ा बोल उठा, बाबूजी अब यह नहीं भाग सकेगा, इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा, सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैर में बेड़ी भी डाल सकता है और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता था। संसार तेरी जय हो। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था। गाड़ी मोटर तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे, सब जैसे व्याकुल। मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। सिरस के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठ स्वर सुनाई पड़ा। बुड्ढे ने कहा, बेटा 3 दिन और न ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है, 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं आज मुझे 2 पैसा दो, मैं कचालू खाऊंगा। वो देखो उस पटरी पर बिक रहा है। पालक के मुंह और आंख में पानी भरा था। दुर्भाग्य से बूढ़ा उसे पैसा नहीं दे सकता था। वह न देने के लिए हट करता ही रहा, परंतु बालक की ही विजय हुई। वो पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला। उसके बेड़ी से जकड़े हुए पैर पैंतरा काट कर चल रहे थे, जैसे युद्ध विजय के लिए। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे। दर्शकों के चित्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और यह बूढ़ा विकल हो रोने लगा, अंधा किधर जाए। एक ने कहा, चोट अधिक नहीं। दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी है, नहीं तो क्यों चोट खाता। बूढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे न चाहिए। और मैंने हतबुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।